कि जो कांग्रेस का वोट बैंक था एसटी का, वो बीटीपी ने तोड़ा है, वोटिंग कम कर रहे हैं और उसका लाभ हो सकता है बीटीपी को ज़्यादा मिल जाए। तो इस बार हम देख रहे हैं कि नहीं कांग्रेस को भी वो वोट जा रहा है। बीटीपी और कांग्रेस दोनों मिलकर ही ये कर रहे हैं? नहीं, इससे जो जनरल था वो तो एकजुट हुआ है। तो परिवारवाद तो गांव में भी है, कई ऐसे सरपंच है जो सालों से गाँव में सरपंच है। परिवारवाद के मुद्दे को लेकर कांग्रेस वैसे पीछे जा रही है। नमस्कार, मैं हूं जय श्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। सीबीसी न्यूज का चुनावी सफर जारी है और अपने सफर में सीबीसी आपको हर दिन नई तस्वीर सामने ला रहा है। आज सीबीसी न्यूज की टीम के साथ है चार वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ जो आपको इस पंचायती राज चुनाव के समीकरण को समझाएंगे। देखिए हमारे संवाददाता शाहिद खान और सौरभ दुबे की यह खास पेशकश। सीबीसी का चुनावी सफर जारी है और इस सफर में अब चार नए चेहरे और शामिल हो गए। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। हमारे साथ मौजूद है महेंद्र जी, उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ चंद्रेश व्यास जी, इसके साथ उसके बाद हमारे साथ है सुरेश जी और अनिल जी। आप सभी का स्वागत है। ये जो हमारा इंटरव्यू है वो इसके लिए है क्योंकि जो पंचायती राज चुनाव हमारा शुरू हुआ है, इसके समीकरण को समझने के लिए हमने आप लोगों को बुलाया है और हम कोशिश करेंगे कि हमारी दर्शकों को भी समझा पाए कि जो 2020 का पंचायती राज चुनाव है इसमें कौन सी पार्टी किस पे कितनी भारी पड़ेगी। तो मेरा सबसे पहला सवाल महेंद्र जी आपसे होगा कि ये जो पंचायती राज चुनाव है इसका समीकरण आपको कैसा बैठते हुए दिखाई दे रहा है? हमारी टीम ने अभी तक जहाँ हमने सर्वे किए जी, या तो हमेशा लग रहा है कहीं कहीं बीजेपी और बीटीपी की एक टक्कर चल रही है। तो हमारे साथ महेंद्र जी ने बताया कि किस तरीके से बीटीपी और बीजेपी की टक्कर दिखाई दे रही है। मैं सुरेश जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इस समीकरण में यही बात है? नहीं, वैसे तो कोरोना के डर के कारण से लोगों का रुझान कम है। सुबह से हम देख रहे हैं, घूम रहे हैं क्षेत्र में, जनरल लोग जो हैं वो निकल कर के आने में डर रहे हैं, वोटिंग कम कर रहे हैं और उसका लाभ हो सकता है बीटीपी को ज़्यादा मिल जाए कि वो वोटिंग कर रहे हैं। दूसरा, जनरल के दिमाग में एक ही है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको वोट करो, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। इसलिए डिपेंड करता है कि बीटीपी कितना, पहली बार चुनाव लड़ रही है पंचायत राज का, तो वो कितना स्कोर कर पाती है, उसी के ऊपर समीकरण सारे जाएंगे। तो मैं सर आपसे ये समझना चाहता हूँ चंद्रेश जी कि भारतीय जनता पार्टी क्या बीटीपी को सीधा टक्कर दे पा रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो वोट थे वो अब लगता है कहीं ना कहीं बीटीपी में जा रहे हैं। तो क्या बीटीपी और बीजेपी यही दो पार्टियां बचेगी पंचायती राज चुनाव के आखिर में? नहीं, देखिए विधानसभा चुनाव को यदि हम देखें तो ये बात तय है कि जो कांग्रेस का वोट बैंक था एसटी का, वो बीटीपी ने तोड़ा है। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद कहीं कुछ ऐसे समीकरण बदले हैं तो कांग्रेस भी पंचायत राज चुनाव में टक्कर में आई है। कई जगह भी ये देखने मिला, अभी भी हम कई जगह गए हैं तो पिछली बार सामान्य वर्ग का जो वोट कांग्रेस को नहीं मिला है, तो इस बार हम देख रहे हैं कि नहीं कांग्रेस को भी वो वोट जा रहा है और एसटी वोट बैंक में भी कांग्रेस सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। मैं अनिल जी आपके पास आना चाहूँगा और मेरा एक ये सवाल रहेगा कि बीटीपी इस चुनाव में बहुत बढ़ चढ़ के सामने आई है, तो क्या यही एक जातिगत मुद्दा लेकर वो इतना चरम पर इतने अपना परचम लहरा रही है, क्या इसके अलावा भी उसकी कोई राजनीति तरीका या तौर तरीका उसने अजमाया है? बीटीपी और कांग्रेस दोनों मिलकर ही ये कर रहे हैं लेकिन जातिगत मुद्दे को इन्होंने ज़्यादा हवा दी है, जिस वजह से इसका खामियाजा शायद बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है इस चुनाव में। जातिगत मुद्दे की बात है इसलिए काकरी डुंगरी का नाम लेना लाजमी है। तो काकरी डुंगरी और बीटीपी को पंचायती राज चुनाव से जोड़कर आप कैसे देखते हैं? नहीं, इससे जो जनरल था वो तो एकजुट हुआ है और बीटीपी के जो लोग थे उनमें भी ये आंदोलन जो था पहला आंदोलन था जिससे कई लोगों को समझ में आ गया कि इस तरह के आक्रामक आंदोलन करना हमारे हित में नहीं होगा, तो अगली बार शायद ऐसा आंदोलन नहीं हो, पर फिर भी उनको एकजुट करने में सहायक जरूर रहा है। बिल्कुल, आपका धन्यवाद। मैं आपसे एक ये सवाल मेरा होगा कि कांग्रेस को तो हम परिवारवाद की पार्टी से मानते ही हैं लेकिन बीजेपी में भी कुछ ऐसे क्षेत्रीय नेता है, कनकमल कटारा जी उनके जैसे कई नेता जिनको परिवारवाद से जोड़ के देखना लाजमी है, तो आप बीजेपी में कनकमल कटारा जी की जो परिवारवाद की नीति को किस रूप से देखते हैं? देखिए, कनकमल कटारा की ही बात नहीं है, यदि वागड़ क्षेत्र खासकर मैं सागवाड़ा की बात करूँ तो परिवारवाद तो गाँव में भी है।
कई ऐसे सरपंच है जो सालों से गांव में सरपंच है, अब वो पंचायत समिति सदस्य भी बनना चाहते हैं, वो प्रधान भी बनना चाहते हैं, वो उप जिला प्रमुख जिला प्रमुख भी बनना चाहते हैं। तो राजनीति में ये परिवारवाद तो चलता ही रहेगा। और कनक जी की जहाँ तक बात है तो बिल्कुल ये सही भी है कि पहले वे सांसद रहे, मंत्री भी रहे, फिर उनकी पुत्रवधू भी विधायक रही, उनको पार्टी से निष्कासित किया गया, अब उन्होंने अपने पुत्र को जिला परिषद चुनाव के लिए उतारा है। तो चूंकि वो राजनीतिक क्षेत्र से हैं तो ये परिवारों में तो ये चलता ही रहेगा। नए चेहरे कम आ पा रहे हैं, लेकिन अभी जो देख रहे हैं हमको ये देखने में आया है कि जो नए चेहरे आ रहे हैं लोग उनके साथ जुड़ भी रहे हैं। बिल्कुल, सीबीसी न्यूज़ की टीम आप भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि दौरे में लगातार है, तो इस दौरे में हमने एक बात ये समझी कि अगर बीजेपी के कोई नेता परिवारवाद कर रहे हैं तो इससे बीजेपी का जो जनरल वोट है वो नाराज़ हुआ है। तो अगर कनकमल ने अपने बेटे को उतारा तो इससे जनरल जो वोट है वो नाराज़ हुआ है। नहीं देखिए, हर चुनाव का अपना अलग लहजा होता है ना। लोकसभा में वोट कहाँ करना है, विधानसभा में कहाँ करना है, और पंचायत राज चुनाव जो होता है वो लोकल होता है। तो लोकल जो चेहरा कितना प्रभावी होता है वो वोट वहीं जाएगा, वहाँ ना तो पार्टियाँ महत्वपूर्ण होती हैं ना कोई और महत्वपूर्ण होता है, वहाँ चेहरा महत्वपूर्ण होता है कि जो चेहरा किस पार्टी ने कौन सा चेहरा उतारा वो चेहरा लोगों से कितना जुड़ा हुआ होता है, और यही आपको परिणाम भी बताएंगे। सूरज जी, मेरा एक ये छोटा सा सवाल है कि आप भी सुन रहे होंगे कि त्रिकोणीय मुकाबला है, बीटीपी बीजेपी कांग्रेस आपस में लड़ रही है। तो जब पिछले पंचायती चुनाव में बीजेपी ने इतना अच्छा अगर विकास किया, ये उसने राज किया है, तो फिर उसको टक्कर की क्या ज़रूरत पड़ी है? वो तो इस वोट में हावी होके आनी चाहिए थी। नहीं, एक तो सत्तारूढ़ जो पार्टी होती है उसका बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ता है, और सत्तारूढ़ पार्टी ये प्रचार कर रही है कि अभी 3 साल अभी हम हैं सत्ता में, इसलिए अगर आपका विकास चाहिए तो हमारे साथ में जुड़ो। और केंद्र की जो सरकार है, मोदी को आपको बैठाना था, आपने बैठा दिया, अब आपका जो हित है गांव का विकास का वो राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप कांग्रेस को जिताओ, ये मुद्दा लेकर के कांग्रेस के लोग प्रचारित कर रहे हैं, और इसका प्रभाव भी पड़ रहा है लोगों के जहन पे कि हम सत्ता में जो पार्टी है उसका साथ देंगे तो शायद हमारा विकास हो जाए। मेरा अगला सवाल अनिल जी से होगा कि मैं ये जानना चाहता हूँ अनिल जी कि अब कांग्रेस का क्या, भले वो केंद्र हो, प्रादेशिक हो, क्षेत्रीय हो, कांग्रेस इतना पीछे क्यों जा रही है? परिवारवाद के मुद्दे को लेकर कांग्रेस वैसे पीछे जा रही है, और कांग्रेस एक जातीय समीकरण को लेकर चुनावों में हमेशा उतरती रही है, जिस वजह से जनरल के वोटर उनसे कटते जा रहे हैं, यही एक वजह फिलहाल दिखती नज़र आ रही है। अब एक आखिरी सवाल जिसका दर्शकों को भी इंतज़ार था, सिंपल सा सादा सवाल है कि इस पंचायती राज चुनाव में आपके हिसाब से कौन सत्ता पाएगा? सत्ता तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि बीटीपी की एंट्री हुई है इस चुनाव में पहली बार, इसलिए समीकरण हर जगह के अलग अलग नज़र आ रहे हैं हमको, किसी सीट पे बीटीपी के कारण से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, किसी सीट पे बीटीपी के कारण से बीजेपी को भी नुकसान हो रहा है, इसलिए ऐसा अनुमान फिक्स तो अभी कहा नहीं जा सकता, पर समीकरण जरूर बदलेंगे, ये निश्चित है कि समीकरण बदलेंगे। यही सवाल सर आपसे भी कि क्या लगता है आपके हिसाब से क्या समीकरण बैठेंगे, कौन सी पार्टी इस बार बढ़ चढ़ के सामने आएगी? देखिए, ये जैसे सूरज भाई साहब ने भी कहा कि इस बार चूंकि त्रिकोणीय मुकाबला अभी तक सागवाड़ा में हुआ नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला पंचायत राज में पहली बार ये हुआ है, और मतदाता भी बिल्कुल शांत दिख रहा है, हम अभी कुछ बूथों पे गए तो बिल्कुल भीड़ भी नज़र नहीं आ रही थी, तो किसका परचम होगा, किसका प्रधान बनेगा ये कहना तो अभी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यदि गठबंधन की बात आ जाएगी तो बीजेपी के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बीटीपी बीजेपी को समर्थन नहीं करेगी, और यदि हुआ तो बीटीपी कांग्रेस का या कांग्रेस बीटीपी का समर्थन करके प्रधान बना सकती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीबीसी न्यूज़ का चुनावी सफ़र चलता जा रहा था और हमने आपको 4 परिपक्व चेहरे दिखाए जो आपको आपका ये पंचायती राज चुनाव को समझने में आपकी मदद करेंगे, और हमें पूरा भरोसा है कि उन्होंने आपकी मदद की भी होगी। इसी तरह सीबीसी का चुनावी सफ़र आगे चलता रहेगा और पंचायती राज से जुड़ी आगे और भी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। 8 तारीख को इसका परिणाम है, इसके साथ हमारे साथ आप भी इसका इंतज़ार कीजिए। मेरे सहयोगी शाहिद खान के साथ मैं सौरभ दुबे, सीबीसी न्यूज़ के लिए।
हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को हमारी इस खास पेशकश के बाद पंचायती राज चुनाव से जुड़े सारे सवालों के जवाब जरूर मिल गए होंगे। सीबीसी न्यूज ऐसे ही लगातार अपने कई किलोमीटर के चुनावी सफर में आपको धरातल की सच्चाई आपके सामने लाता रहेगा। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।